नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज अदा की गई माहे रमजान के अंतिम जुमा की नमाज मोतिहारी के जामा मस्जिद में अलविदा जुमा के अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने एक साथ अदा की नमाज, देश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। मोतिहारी के बालिका गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। शराब धंधेबाजों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस, थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चलाया छापेमारी अभियान। ईद की तैयारियों में जुटे हैं लोग। आज नरकटियागंज में उप प्रमुख द्वारा जरूरतमंदों के बीच किया गया कपड़े का वितरण। रेड क्रॉस सोसाइटी ने की मानवता की खिदमत, नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में हुए आगलगी की घटनाओं में पीड़ित परिवारों के बीच किया खाद्य सामग्री का वितरण। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका के बड़ी मस्जिद में आज अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, रोजेदारों ने नमाज अदा करने के बाद देश में अमन चैन की मांगी दुआएं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज पहुंचे जिलाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय सहित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, अग्नि पीड़ितों के बीच किया सहायता राशि के चेक का वितरण। पूर्वी चंपारण के ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के खैरवा चौक के नजदीक अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो हुआ दुर्घटना का शिकार, घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। पाक रमजान के आखिरी दिन आज अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के जामा मस्जिद में दिखी लोगों की भीड़। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के एक शिष्टमंडल ने की पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल से मुलाकात। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत सर्राफ ने एसटीवी न्यूज से की बातचीत, बोले पूर्वी चंपारण के सुगौली में होना चाहिए डिग्री कॉलेज। पूर्वी चंपारण सहित देश भर में कल यानी शनिवार को ईद का पर्व मनाया जाएगा। आज रमजान महीने की आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा का दिन था। इस अवसर पर मोतिहारी के मेन रोड स्थित जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। रमजान के महीने की आखिरी जुम्मा के दिन भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने मस्जिद से लेकर सड़क तक एक साथ बैठकर अलविदा जुमा की नमाज अदा की और देश में अमन चैन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में जुम्मा यानी कि शुक्रवार के दिन की खास अहमियत है। ऐसे में जुम्मा रमजान के पाक महीने का आखिरी हो तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। रमजान के अंतिम सप्ताह का जुम्मा अलविदा जुमा कहा जाता है। इस अवसर पर पहुंचे लोगों के चेहरे पर एक अलग उत्साह दिखा। वहीं आज मोतिहारी सहित पूरे उत्तर बिहार के लोग ईद की खरीदारी में जुटे दिखे, बाजारों की रौनक बढ़ी पाई गई, लोग खूब खरीदारी किए और सड़कों पर जाम की स्थिति देखी गई। हालांकि सड़कों पर लग रहे जाम से निपटने के लिए प्रशासन सजग दिख रही थी। वहीं आज अलविदा जुमा के दौरान भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जो हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी थी। आज मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज अजीज ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए ईद की शुभकामनाएं दी। कल ईद है और ये बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, और इस पे पूरे चंपारण वासियों को और नॉर्थ बिहार के सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और हर तरह की नेक ख्वाहिशात मैं दे रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा किसी भी त्यौहार का शुभकामना या नेक ख्वाहिशात जो भी दे रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपसी भाईचारगी और आपसी प्यार मोहब्बत बना रहे, जो कि हम लोगों की रवायत है इस कंट्री की, इसको हम लोग कायम रखें और खुश खुर्रम रहें और सब एक दूसरे से मिलके सभी त्योहारों को मनाएं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने आज मोतिहारी के बालिका गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बरियारपुर स्थित बालिका गृह में वर्तमान में 95 बालिकाएं एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में 11 शिशु आवासित है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गृह की व्यवस्था का जायजा लिया, बालिका गृह की बालिकाओं से बातचीत की, वहीं उपस्थित कर्मियों को बच्चों की समुचित देखभाल करने का निर्देश दिया।
वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने एवं उनके स्वास्थ्य का समुचित ख्याल रखने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई के साथ साथ बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं दोनों गृहों के अधीक्षक एवं समन्वयक तथा अन्य कर्मीगण उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। ढाका पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के धांगर टोली बस्ती में शराब धंधेबाजों के विरुद्ध पुलिस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने स्वयं दल बल के साथ जमुआ गांव के धांगर टोली बस्ती में शराब धंधेबाजों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए एक घर में रखे लगभग 200 लीटर चुलाई शराब बनाने में प्रयुक्त मीठा और छोआ मिश्रित द्रव्य को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर ढाका पुलिस ने दूसरे स्थान पर छापेमारी करते हुए एक घर के पास जूट के बोरे में छुपा कर रखे गए 77 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब की बोतल को बरामद किया है। वहीं पुलिस को देखते ही धंधेबाज भागने में सफल रहा। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार हुए धंधेबाज की पहचान जमुआ गांव निवासी बद्री हजारी के पुत्र नरेश हजारी के रूप में की गई है, जिस पर मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में ईद को लेकर बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ईद को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचकर शहरों में खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। वहीं रमजान के पाक महीने में अलविदा जुमे की नमाज के बाद प्रखंड उप प्रमुख आमना खातून की ओर से गरीब जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया, जिसके लिए प्रखंड के धूमनगर चौक के समीप स्टॉल लगाकर उप प्रमुख प्रतिनिधि असलम मियां ने सैकड़ों गरीब जरूरतमंदों में कपड़ा वितरित किया। इस दौरान प्रखंड के हिंगलहर, धूमनगर, बड़वा, चांदपुर समेत अन्य कई गाँव के लोग पहुंचे थे। उप प्रमुख प्रतिनिधि असलम मियां ने बताया कि समाज सेवा की भावना से ईद पर्व को लेकर कपड़ों की वितरण की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि रमजान के महीने में प्रतिदिन जरूरतमंद रोजेदारों के बीच सब्जी व फल का वितरण भी उनके तरफ से लगातार किया जा रहा है। के जुमा था, हमने आज फल फ्रूट सब्जी बांटना बंद किया। उसके बाद से 2 बजे से 4 बजे तक हमने कपड़ा वितरण किया। कम से कम 500 आदमियों को कपड़ा हमने वितरण किया। बच्चों के लिए कुर्ता और छोटा बच्चों के लिए फ्रॉक, लेडीज के लिए मच्छरदानी और चटाई और साड़ी और सूट, मैंने जो भी सारा सामान जो मांगा उनको मैंने दिया। ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा, और मैंने कल भी बोला ईद के दिन आप लोग जो भर्ती पूर्ति होगी मैं आप लोगों सेवा में हाजिर रहूँगा। आइंदा मैं छठ भी बटवाऊँगा, इस सेवा छठ भी पूरा करूँगा। अल्लाह जब तक हमको देंगे मैं करता रहूँगा जनता की सेवा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के भसुराड़ी पंचायत के बैरिया गांव में बीते दिनों आगलगी की घटना में 4 पीड़ित परिवारों के बीच शुक्रवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सामग्री का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर एम वली ने बताया कि बीते दिनों आगलगी की घटना घटी थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद आज पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना गया और उन पीड़ित परिवारों के बीच चावल, तेल, आलू, चिवड़ा, गुड़ आदि खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। पीड़ितों में बैरिया गांव निवासी लक्ष्मी नारायण राम, इजहार मियां, सकलदीप राम और राधा राम का नाम शामिल है। भसुराड़ी पंचायत में करहरवा बैरिया में हम लोग मौजूद हैं, जहां पे आग लगी हुई है। 3 घर जो है जला हुआ है, ठीक उसके सामने हम लोग खड़े हैं। अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा नगरिया इसका बैनर दायरे में है, और जो राहत सामग्री जो होता है वो हम लोग कंट्रीब्यूशन अपना देकर के उन लोगों का जो भी हालात है सबसे वाकिफ हुए और देकर के हम लोग जो है अभी निकलेंगे। हाँ, यहाँ जो मौजूद हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर हैं, इवन कि मैं भी उसका मेंबर हूँ, हम लोग मेंबर के कंट्रीब्यूशन से, जो मौजूद मेंबर यहाँ हैं उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये दिया जा रहा है। सिग्रहना अनुमंडल क्षेत्र के ढाका, पचपकड़ी, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ा सहन, छोड़ा दानो सहित विभिन्न जगहों पर ईद पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। ईद पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजार के दुकानों से नए कपड़े, सेवैया, फल, दूध आदि की खूब खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। ईद पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग बाजार के दुकानों से नए कपड़े, सेवैया, फल, दूध आदि की खूब खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि रमजान को इस्लाम धर्म में सबसे पाक महीना माना गया है। रमजान में प्रत्येक मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी रोजेदारों के द्वारा ढाका के बड़ी मस्जिद में एक समूह में आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई तथा नमाज अदा करने के साथ ही देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई।
वहीं नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल निगरानी करते देखे गए। इस दौरान हर गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर थी। सुनिए इस संबंध में ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान सहित अन्य ने क्या कहा। रमजान का महीना हम लोग का मानना है कि जो हम लोग एक महीना रोजा रखते हैं तो इस रोजा से दो फायदा है, एक तो आदमी के जिस्म को भी फायदा है और ये जो भूखा है कमजोर है गरीब है वो किस हाल में रहता है उससे इंसान को महसूस होता है कि भाई रोजा रहने से वो जो भूखा रहता है उसको क्या बीतता होगा। और ये जो लास्ट महीना का जुमा है इसमें सब लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम लोग एक माह जो रोज़ा रखे हैं इसमें जो कमी बेसी हुआ होगा उसमें माफ़ करे। हाँ, ईद का भी हम अपने तरफ से सारे लोग को ईद का बधाई देते हैं, पूरे देशवासियों को ईद का बधाई देते हुए सब ईद की पूरी तैयारी सब लोग जिसको जहाँ है सब लोग तैयारी कर लिया है, कमी बेस होगा तो कल तक सब लोग इसमें। पूर्वी चंपारण के नरकटियागंज में गुरुवार को निरीक्षण करने पहुंचे डीएम दिनेश कुमार राय ने अनुमंडल कार्यालय के निरीक्षण के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद डीएम ने सिमरी नटटोली में 12 अग्नि पीड़ितों के बीच 9800 रुपए सहायता राशि अनुदान राशि का चेक वितरित किया। मौके पर SDO धनंजय कुमार, CO राहुल कुमार आदि उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण के ढाका बैरगनिया मुख्य पथ के खैरवा चौक से महज थोड़ी दूर पर तेज रफ्तार से ढाका की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुर्घटना की शिकार हो गई। यह दुर्घटना गुरुवार देर संध्या की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो में चालक सहित 5 अन्य लोग सवार थे। दुर्घटना में सभी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई तथा ग्रामीणों के सहयोग से सभी व्यक्तियों को इलाज के लिए ढाका भेजा गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। संजोग की बात यह है कि शाम के वक्त सड़क सुनसान था, यदि किसी दूसरे वाहन से टक्कर होती तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं सूचना पर ढाका थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के जामा मस्जिद में शुक्रवार को पाक रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान नगर की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्क की तरक्की व अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना ने अलविदा की नमाज अदा कराई। बताया जाता है कि अलविदा की नमाज जामा मस्जिद में अदा किए जाने का विशेष धार्मिक महत्व है। शुक्रवार की सुबह से ही नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद पहुंचे और अलविदा की नमाज अदा की। अलविदा के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। आज अलविदा के नमाज के बाद कल यानी शनिवार को ईद का पर्व मनाया जाएगा। ये बाबरकती महीना है और हमारा इस्लाम आपसी भाईचारा समझाता है। हिंदू मुस्लिम एकता आस्था की चीज़ है। सब लोग अपने आस्था से, हमारे हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद जाते हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद तो इस उस्ताद का शोभा है और इसलिए तो इसको सेकुलर देश बनाया गया है, सेकुलर भारत बनाया गया है। ये यहाँ के तहजीब और मोहब्बत और पैगाम सब मिलजुल कर के जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है वही हमारा भारत मुल्क है और हम भारत के रहने वाले हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट के एक शिष्टमंडल ने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उनके स्वागत में बुके एवं एक मोमेंटो तथा स्मारिका भेंट की गई। शिष्टमंडल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP श्रीवास्तव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश, प्रदेश महासचिव रामाकांत पांडे, जिलाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव एवं जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शामिल थे। मुलाकात के दौरान जिलाधिकारी ने सभी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जहां उनकी आवश्यकता महसूस हो उनसे बेझिझक मिल सकते हैं। शिष्टमंडल ने भी जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत सर्राफ ने STV न्यूज से बात करते हुए बताया कि सुगौली में डिग्री कॉलेज बनाना जरूरी है। पढ़ने वाले युवाओं को डिग्री कॉलेज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुगौली स्थित प्रेम पुस्तकालय जर्जर है जिसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना समय निकाला मेरे लिए। सबसे पहले यहाँ पर युवा है, पढ़ने लायक युवा जो डिग्री कॉलेज के लिए तरफ जाए, कब तक बन जाएगा?
देखिए विद्यार्थी परिषद की जब से सुगौली में इकाई बनी उस समय से हमारे साथी प्रिंस चौबे जी, बबलू गुप्ता जी, हिमांशु शर्मा जी, शरद शर्मा, रजत कमरूर और व्यक्तिगत रूप से मैं और जितने भी विद्यार्थी परिषद के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे और जिनका भी रुझान कहीं ना कहीं सुगौली के शैक्षणिक गतिविधियों में रहा कि सुगौली बिहार नहीं भारत के मानस पटल पर शैक्षणिक अपना मानचित्र अंकित करें, तो सभी लोग इसमें पुरजोर तरीके से सुगौली के निचले जनप्रतिनिधि से लेकर केंद्रीय मंत्री, महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और इस शैक्षणिक समस्या को सॉल्व कराने के लिए जितने भी लोग से मिला जा सकता है या जिस मंच पे भी आवाज़ उठाया जा सकता है विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मैंने भी इसको आवाज़ उठाने का कार्य किया। दूसरी बात है कि इसको कब तक बन पाएगा, तो वैसा आश्वासन मुझे लगता है कि मैं अपने तरफ से नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ पर एक समय ऐसा भी था यहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर कोई आवाज़ नहीं था, उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक पहल की और उम्मीद है कि देर सवेर ही कहीं, जैसे कि लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि किसी भी काम करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि पे आप दबाव समूह बनाकर और अपना बात मनवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। रही बात प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोलने की, तो हम आपके जैसे जितने भी धनगाढ़ व्यक्ति होंगे इस शहर के वो लोग खोल सकते हैं, कहीं ना कहीं सरकारी डिग्री कॉलेज खुलेगा तो पूरे क्षेत्र विशेष के सभी छात्र छात्राओं को लाभ होगा। एक आडियो वायरल हुआ था, उस आडियो में सीधे आपको धमकाया गया था, क्या मामला है उस आडियो? स्थानीय प्रशासन ने भी इस ऑडियो की जांच की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि छात्र जीवन में सीखने को मिला कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिष्टता तभी तक है जब तक विशिष्टता है। अगर आप मुझे आप कहकर संबोधित करेंगे तो मैं भी निश्चित और स्वाभाविक तौर पर भी आपको आप कहकर संबोधित करूंगा, लेकिन एक तय समय सीमा के बाद बार बार मुझे बाध्य किया जाएगा किसी विषय वस्तु को लेकर जिसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है या कोई मेरी ऐसी मनसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये ऐसा दुर्भावनापूर्ण ऑडियो वायरल होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही नहीं व्यक्तिगत रूप से पूरे समाज के लिए क्षति का विषय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो कोई भी यहाँ इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, तो छात्रों से भी आग्रह है कि आप अपने शैक्षणिक व्यक्तिगत विकास के लिए जितना चाहें पढ़ें, लेकिन उस एवज में अगर सरकार से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो सरकार को आप टारगेट ना करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और अपने साथ साथ अपने आसपास अगर दोस्त को लेते हुए भी कोई स्टार्टअप शुरू करे, और वो स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, तो इसमें एक पहल करने की और दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इस विषय में जनप्रतिनिधियों को भी बढ़ चढ़कर युवाओं का इसमें सहयोग करना चाहिए। आपके क्षेत्र में सुगौली में गोली चली जा रही है, घर पर गोली चलाई गई है मुख्य पार्षद के घर पर, ऐसा मामला कल सामने आया, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए इस विषय में मुझे अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है तो हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा अभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी का या किसी राजनीतिक व्यक्ति का मैं समर्थन या विरोध करता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ हमारे आस पड़ोस या समाज में हो रहा है तो प्रशासन को, स्थानीय जो भी लोग हैं यहाँ के बुद्धिजीवी लोग को आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करना। रमजान के पावन महीने में जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में मशहूर चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण के तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में शहर के कई चिकित्सक सहित गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सबों ने एक साथ इफ्तार किया। इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा कि रमजान के महीने में इस तरह के आयोजन से लोगों में एकता का मैसेज जाता है। ऐसे आयोजन में सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं और आपसी भाईचारे का परिचय देते हैं।
इस मौके पर डॉक्टर तबरेज अजीज, डॉक्टर मंजर नसीम, डॉक्टर मोमिन हाशमी, डॉक्टर यमी अख्तर, मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी, डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, डॉक्टर एस एम मिनतुल्लाह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, पिक्चर भी देखने जाते थे, तो उसमें एक लाइन होता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही तहजीब है गंगा जमुना तहजीब। और इसी तहजीब को हम कायम रखने के लिए, मजहब पर कायम रखने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हमारा चंपारण इसकी मिसाल पेश करता ही है, और इस मिसाल को आगे बढ़ाने में हम सब भाई मिलके, डॉक्टर मोबिन हाशमी हमारे साथ हैं, हम लोग भाई हैं, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे इसको बरकरार रखें इंशाल्लाह। डॉक्टर आशुतोष शरण जितने अच्छे फिजिशियन हैं उतने ही बेहतरीन सर्जन हैं और एक बेहतरीन इंसान हैं, और इन्होंने एक ये मिसाल कायम की है कि जहाँ पे मुस्लिम समाज के और बाकी सब तरह के लोगों को बुला करके इफ्तार के लिए यहाँ पे सबको बुलाया, इज्जत दी और अपने तरफ से एक मोहब्बत और भाईचारा और अमन का एक पैगाम दिया है। ये होते रहना चाहिए, आजकल जिस तरह का माहौल हो गया है देश और समाज के लेवल में, इसकी सख्त ज़रूरत है। चंपारण वासियों को भी ईद की शुभकामनाएं। चंपारण के साथ साथ बिहार और बिहार के अलावा हमारे पूरे देश वासियों को, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भाइयों को भी शुभकामनाएं, सिख भाइयों को भी शुभकामनाएं, ईसाई भाइयों का भी। ये ऐसा एक त्यौहार है जो सिखलाता है आपस में मेल मोहब्बत भाईचारगी कायम रखना। इससे हम इस ये फिलॉसफी हमारे ज़िंदगी का है, ये त्यौहार का है, इसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ दुख सुख में काम आना, ये हमारी तहजीब है और ये हमें त्यौहार सिखलाता है। रमज़ान का मुकद्दस महीना है और इस महीने में इफ्तार की बहुत ही अहमियत होती है। वैसे तो भैया के ज़रिए ये इफ्तार का जो सदावत हर साल होता है, भले इन साल इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारे देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ हम सारे धर्मों के लोग एक साथ सद्भाव के साथ रहते हैं और एक दूसरे के आस्था को और एक दूसरे के कल्चर को और तहजीब को पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ मनाते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है और भैया इसकी जो ये सब काम कर रहे हैं, ये जो इफ्तार पार्टी का अहतमाम करते हैं, एक बहुत अच्छा मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब का, एकता का, भाईचारे का। डॉक्टर आशुतोष शरण भाई के यहाँ जो इफ्तार हुआ है ये तो हर साल होता है, और एक इस ज़िला की खासियत है कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब जो है हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल है, चूँकि एक गांधी जी की ज़मीन है, गांधी जी का कर्म स्थली है, यहाँ पे बहुत सा कुछ, बहुत पूरा बिहार जलता है, चंपारण में कभी इस तरह की कोई बात नहीं है, एक मामूली सी भी कोई बात होती है तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हम लोग खड़े होकर। तो आज जो इफ्तार पार्टी डॉक्टर आशुतोष शरण के द्वारा दिया गया एक सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा का मिसाल है। हर साल डॉक्टर आशुतोष शरण के द्वारा ये किया जाता है इफ्तार पार्टी का इंतजाम यहाँ, जहाँ हम लोग इफ्तार भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं और दोनों हिंदू मुस्लिम समाज एक जगह बैठकर इफ्तार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये आशुतोष शरण के एक साथ मल्टीपल मेरिट का एक मिसाल है, जो जिसके वजह से ये इफ्तार पार्टी भी उसका एक हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।